हेलो दोस्तों, अगर आप प्लान कर रहे हैं उज्जैन आने का तो इन जगहों को जरूर विजिट करना। शुरुआत करनी है आपको संदीपनी आश्रम से, जहां पर बलराम और कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी। इसके बाद आपको चले जाना है मंगलनाथ टेंपल, जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तीसरा आपको जाना है सिद्धवट टेंपल। इसके बाद आपको जाना है बावन कुंड। और पांचवा आपको जाना है काल भैरव टेंपल, जहां पर शराब चढ़ाई जाती है। और इसके बाद दोस्तों आपको जाना है भरतरी की गुफाओं में, जहां पर विक्रमादित्य के बड़े भाई भरतरी ने सिद्धियां प्राप्त की थी। और इसके बाद आपको जाना है मत्स्येंद्रनाथ समाधि स्थल पर, जो कि एक बहुत ही पीसफुल जगह है। इसके बाद आपको पहुंच जाना है गढ़कालिका टेंपल, और इस मंदिर के बगल में है स्थिरमन गणेश जी मंदिर, जो कि बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। इसके बाद आपको विजिट करना है रणकेश्वर धाम, जहाँ पर है बहुत ही बड़ा शिवलिंग। तो इतना घूमने के बाद चाय की चुस्की तो बनती है, तो पहुंच जाइए विनायक कैफे पे, जहाँ पर उज्जैन की सबसे बेस्ट चाय मिलती है। और इसके तुरंत बाद आपको पहुंच जाना है बागेश्वरी दरबार, जहाँ पर है बहुत ही विशाल बागेश्वरी माता की मूर्ति। और हाँ दोस्तों, इस्कॉन टेम्पल और उसकी आरती को मिस करना ना भूलना। और सूर्यास्त के समय आपको जाना है नवग्रह टेम्पल, जहाँ पर बहुत ही सुंदर घाट बना हुआ है। और रात की रोशनी में आप करेंगे महाकाल कॉरिडोर के दर्शन, और उसके बाद आप जाएंगे भारत माता के मंदिर और हर सिद्धि माता के मंदिर।